देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरु राचर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनिवर एक शाठ प्रमाण सागर जी महाराज के, तीर्थराज संबित शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार पारस चैनल जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पहले जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का और स्वर्ण दान देने का स्वभाव प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। स्वर्ण दान देने का स्वभाव प्राप्त किया श्रीमती अरुणा वैद्य, डॉक्टर अश्विनी जैन, डॉक्टर पीवी जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट सतना। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़ो के गुरुवंदना का सौभाग प्राप्त करेंगे और कैमरामैन कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती स्नेह प्रभा काला, डॉक्टर प्रेम काला जी, धर्मपत्ति स्वर्गीय डॉक्टर सुभाष जी काला जयपुर, श्रीमती संध्या दिलीप भारेल नागपुर। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़ो के गुरुवंदना का सौभाग प्राप्त करेंगे। और आइए इसी क्रम में जीव दया के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया यूएसए से श्रीमती शेरना जी, आवेश जी, सुमित जी, प्राची गंगवाल, संतोष जी, मधु गंगवाल सपरिवार 30,000 रुपया, पटियाला पंजाब से श्रीमती सुलोचना जी, स्वर्गीय नानक चंद जी जिनकी स्मृति में 21,000 रुपया, गाजीबाद से श्रीमान सुशील कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन 15,000 रुपया, दिल्ली से सुंदरी देवी जैन सपरिवार एक ट्राली भूषा के लिए 15,000, इम्फाल से श्रीमती मोहिनी देवी जैन धर्मपत्नी लक्ष्मी नारायण काला सपरिवार, दीमापुर से दीमापुर नागालैंड से श्रीमती चंदा देवी कोमल जी, अमित जी, मानव जी, मानवी पाटनी, दीमापुर नागालैंड से श्री जेठमल जी सेठी, श्रीपाल जी, गुणमाला जी, कौशल जी, अजमेरा सपरिवार। इन्होंने अपनी ओर से 15,000 और 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अजय जी श्राफ, श्रीमती इंदिरा जी श्राफ, श्री गौरव जी श्राफ, वैभव श्राफ ललितपुर। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का। प्रमोद जी भारेल जो श्रीमणी संरक्षक हैं उनके ये शाले साहब हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान अजय जी को और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रेखा जी, आर के जैन विजनौर ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान इंजीनियर रमेश कुमार जी निर्माण मंत्री, श्रीमती संरक्षक परिवार गुणायतन सतना। ये आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए उस तरफ पहुंच जाना श्रीमती रेखा जी, आर के जैन विजनौर ट्रस्टी गुणायतन और श्रीमान रमेश जी निर्माण मंत्री सतना। ये आएंगे सम्माननीय ट्रस्टी परिवार का सम्मान। शुभम जी मोनी सिवनी कटनी ये आ जाएंगे हमारे सम्मानी ट्रस्टी परिवार का सम्मान करेंगे श्रीमान रमेश जी के साथ। जल्दी आ जाइए। इसी क्रम में स्वर्गीय मदन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती सरोज जी जैन रहर वाले, श्री कर्ण कुमार, कैलाश कुमार जी जैन हैदराबाद हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जयंती परिवार से श्रीमान ताराचंद जी जैन अलवर, श्रीमती संरक्षक गुणायतन और जयपुर से एडवोकेट श्रीमान नेमी चंद जी जैन ये आएंगे। श्रीमान स्वर्गीय मदन लाल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, ताली बजाकर इनका सम्मान करें जोरदार। आइए साहब, और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है एडवोकेट नेमी चंद जी जैन और श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार। शायद यहां उपस्थित नहीं, मैं एनसी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा और अशोक जी को महामंत्री गुणायतन, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार में सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानी हैदराबाद परिवार का सम्मान करने के लिए। और आइए चलते हैं, एक मिनट रुक जाना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान शानंद संपन्न हुआ और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मुख्य मंडल प्रयाजक के रूप में अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। सबसे पहले चाहूंगा जोरदार चारों परिवार के लिए ताली बजाकर सम्मान करें।
और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मंगल कलश के लिए यहाँ पर श्रीमान आर के मार्बल परिवार से श्रीमान अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी ये आएंगे और मैं हमारे आदरणीय सारांश भैया और रूपेश भैया चाहूंगा हमारे प्रथम मंडल पुण्याजक के लिए मुख्य कलश प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए पूरा परिवार यहाँ पर जावे, पूरा परिवार यहाँ पर जावे। आर के मार्बल परिवार किशनगढ़, ताली बजा के इनका सम्मान करें जिन्होंने इस अनुष्ठान में मुख्य मंडल पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए अगले मुख्य मंडल पुण्याजक के रूप में जिन्होंने इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का अपने परिवार के साथ सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सबको ताली बजा के इनका सम्मान करें, जोरदार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा संवेदाचल स्थित पार्श्वनाथ जिलाले में आज मुख्य वेदिका और शिखर का शिलान्यास करने का सौभाग्य भी आर के मारवाल परिवार को प्राप्त हुआ है। और शिलान्यास की विशेष सामग्री इस परिवार के लिए गुणेतन परिवार की ओर से हमारे आदरणीय सारांश भैया और रूपेश भैया प्रदान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा कर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारिल श्रीमान संरक्षक गुणायतन मुंबई ये आएंगे और अपना कलश हमारे आदरणीय सारांश भैया रूपेश भैया से प्राप्त करेंगे। आइए वारिल जी परिवार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए वारिल जी आइए जल्दी। और आइए अगले मंडल पुण्याजक के रूप में श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारिल मुंबई श्रीमान संरक्षक गुणायतन। और आइए अगले पुण्याजक रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेन जी प्रीति जी सलोनी जी सिद्धार्थ जी और रिया जी जैन सेठी छावड़ा परिवार गुवाहाटी जिन्होंने मुख्य मंडल लेके इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए जल्दी आइए। इसी क्रम में अगले पुण्याजक के रूप में जिन्होंने मुख्य मंडल में मुख्य कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है दो आइए जल्दी आइए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा परिवार को जिन्होंने इस अनुष्ठान में मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए हमारे आदरणीय रूपेश भैया सारांश भैया से कलश प्राप्त करेंगे ट्रस्टी गुणायतन कोटा। और इसी क्रम में चातुर्मास वर्षा योग 2023 में जिन्होंने कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था पाटोदी परिवार श्रीमान सुरेश जी सौरभ जी पाटोदी हजारी वाग। और चौथे मंडल पुण्याजक के रूप में श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया जयपुर श्रीमान संरक्षक सुनील जी पहाड़िया प्रमोद जी पहाड़िया नीना जी निशा जी पहाड़िया सब परिवार जिन्होंने एक मंडल लेकर पूरे परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज हमारे बीच में प्रातः काल की वेला में उन्हें कलश कमेटी के द्वारा प्रदान किया, उनकी अनुमोदन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अगला कलश। और आइए चातुर्मास वर्षा योग 2023 का कलश श्रीमान सुरेश जी सौरभ जी पाटोती हजारीबाग पूरे परिवार के साथ आएंगे और मंगल क्लास हमारे सारांश भैया और रूपेश भैया से प्राप्त करेंगे। आइए आगे 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 आ रहे हैं सुरेश जी आगे 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 सुरेश जी आगे वो तो चला गया। और आइए सुरेश जी पाटोदी जी यहां पर जावे हजारीबाग। और चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम और हमारा प्रारंभ करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा आगे नमारी जी आइए सुरेश जी सुधा जी सौरभ जी पाटोदी हजारीबाग जिन्होंने वर्षायोग 2023 में मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था हमारे बीच उपस्थित हैं वे आए हमारे संगत भैया सारांश जी रूपेश जी से
जी पाटोदी किशनगढ़, भृति श्रावका सुशीला जी की भाभी जी, और अगली शंका के तैयार होंगी श्रीमती मंजुला जी शेट्टी हजारीबाग, भृति श्राविका सुशीला जी की बहन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी 2020 से कोरोना काल से हमारे स्वाध्याय की क्लास चल रही है, ये क्लास हमारे सुशीला जी चला रही है, तो कृपया मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सामूहिक स्वाध्याय करने का क्या फल है और अकेले करने का क्या फल है? सामूहिक स्वाध्याय का फल तो आपने अनुभव कर लिया होगा ना, अगर सुशीला जी अकेले स्वाध्याय करती होती तो अकेले ही रहती। सामूहिक स्वाध्याय में आप जैसे अनेक लोग जुड़ गए। हमेशा नीति कहती द्वाभ्याम पठनम एकाकी ध्यानम, ध्यान अकेले करो और स्वाध्याय कम से कम दो के साथ करो। जब हम समूह में स्वाध्याय करते हैं तो सबकी विचारधारा प्रकट होती है और बातें खुलती है, उसका प्रभाव अलग होता है, इसलिए सामूहिक स्वाध्याय करना। महाराज जी शिव चक्र विधान की परिक्रमा एक साथ लगानी चाहिए या नहीं? जरूर लगानी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मंजुला शेट्टी हजारीबाग, भृति श्राविका सुशीला जी की बहन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शुभम जी, निकिता जी, श्रीमान संरक्षक गुणायतन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा ये कहना है कि तजुर्बा उम्र से आता है या हालातों और अनुभव से? देखिए बहुत अच्छा है, तजुर्बा कुछ उम्र से भी आता है, कुछ हालातों से भी आता है। उम्र का अनुभव एक सामान्य अनुभव है, लेकिन जो हालातों से सीख लेते हैं उनका विशिष्ट अनुभव होता है। हर व्यक्ति के जीने का अपना अपना तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि उम्र दराज व्यक्ति को अच्छा तजुर्बा हो, और यह भी कोई जरूरी नहीं कि कम उम्र वाले को तजुर्बा ना हो। व्यक्ति के जीने के तरीके पर सब कुछ निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन को जितनी गंभीरता से जीता है उसके जीवन में उतने अच्छे अनुभव प्रकट होते हैं। तो हम उम्र सुलभ अनुभव को सामान्य अनुभव माने, लेकिन जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ अनुभव हम पढ़ करके पाते हैं, कुछ अनुभव हम देख करके पाते हैं, कुछ अनुभव हम भोग करके पाते हैं, और कुछ अनुभव हमारे अंदर नैसर्गिक प्रकट होते हैं। पढ़ने लिखने से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, देखने से, सुनने से, सूंघने से हमें भी अनुभव प्राप्त होता है, जब हम लोगों के साथ देखते हैं, मिलते हैं, उठते जड़ते हैं तो होता है, और हम कोई चीज़ें भोग लेते हैं तो अनुभव होता है। ये अनुभव उस पर निर्भर है कि व्यक्ति किस तरीके से जी रहा है। कई लोग हैं जो जीवन को केवल एक घटना की तरह देखते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के हर अनुभव का सार निकालते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, फूल को सूंघार फेंक दिया, दूसरे व्यक्ति ने उस फूल को गूंथा और माला बना के पहन ली, और तीसरे व्यक्ति ने उस फूल का एसेंस निकाल कर एक शीशी में रख लिया और जेब में रख लिया। जिसने फूल को सूंघ करके फेंका उसके लिए फूल बहुत ज़्यादा लाभदायी नहीं है, जिसने माला गूंथी वो कुछ घंटों तक, लेकिन जिसने एसेंस निकाला उसके पूरे जीवन तक। हम लोग जो जीवन जीते हैं, घटनाओं को अधिकतर लोग फूल की तरह सूंघ कर फेंक देते हैं। कुछ दूसरे तरह के लोग होते हैं जो स्मृतियों की माला बना करके अपने गले में गूंथ लेते हैं, थोड़े दिन तक वो स्मृति पटल पर रहती है। पर कोई बिरला होता है जो हर घटना के रस को निचोड़ कर अपने पास रखता है, उसके जीवन में परिपक्व अनुभव होता है। वो अनुभव जिसके जीवन में घटता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में तजुर्बाकार या अनुभवी व्यक्ति की श्रेणी में आता है। श्रीमान शुभम जी, निकिता जी, श्रीमान संरक्षक गुणायतन कटनी, और उसके बाद श्रीमान रमेश चंद जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी सतना गुणायतन श्रीमान संरक्षक कटनी। बोलो। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जिस तरीके का माहौल अभी यंगस्टर और स्टूडेंट्स के मतलब उसमें चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जब बच्चों को बाहर भेजें या कैसे उनको बाहरी माहौल से इन्फ्लुएंस होने से बचाएं और उनमें अच्छे संस्कारों का मतलब अच्छे संस्कार दें। आपने पूछा है यंगस्टर्स को हम कैसे समझाएं
कि बाहर जाने पर भी वो बाहरी वातावरण से अप्रभावित रहे। देखिए ये कहना कि बाहर मत भेजो कतई उचित नहीं है, न तो व्यवहारिक है और न ही संभव है। लोग बाहर जाएं, जाने दीजिए, लेकिन अगर बाहर जाने से पहले व्यक्ति को उसकी सीमा रेखा का बोध कराकर भेजा जाए, संकल्पों में बांध कर भेजा जाए, तो बाहर जाकर के भी वो व्यक्ति स्थिर रह सकता है। संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव होता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अफ्रीका जाने से पूर्व मेरी माँ ने, उनकी माँ ने उन्हें बेचर दास जी दोषी जो एक जैन साधु थे उनसे 3 संकल्प दिलाए थे, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। गांधी जी ने लिखा कि यदि मेरी माँ ने मुझे ये 3 प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता, मेरी प्रतिज्ञाओं ने मुझे बचाया। तो अगर कोई भी बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की बाहर जाता है तो उससे पहले उसे उसकी जीवन की सीमा रेखा का बोध कराकर गुरुजनों के पास लेकर संकल्प के डोरी से बांध दिया जाए तो बहुत कुछ उन्हें संभाला जा सकता है। शुरू से उन्हें समझाया जाए कि पढ़ना लिखना कितना मायना रखता है और हमारे चरित्र की सुरक्षा कितना अर्थ रखती है, दोनों चीज़ों को हमें साथ रख करके आगे बढ़ना है तो गलतियां कम हो सकती है। इंजीनियर श्री रमेश चंद जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, शतना कटनी, श्रवण संरक्षक गुणायतन और श्रीमान अंश जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, अगली शंका के लिए। नमोस्तु महाराजश्री। महाराजश्री, मर्ज से बचने के लिए हमारे क्या फर्ज होना चाहिए, और अगर उसके बाद भी मर्ज आ गया तो हर्ष के साथ मर्ज से कैसे संघर्ष करें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। मर्ज से बचने के लिए क्या फर्ज होना चाहिए, उसके बाद भी मर्ज आ जाए तो हर्ष के साथ कैसे उससे संघर्ष करें, के साथ संघर्ष कैसे करें। देखिए मर्ज फर्ज, दो और जोड़ दूं तो 4 हो जाएंगे, कर्ज और दर्ज। क्या बात है, मर्ज फर्ज कर्ज और दर्ज, समझ गए। मर्ज से वही बच सकता है जो अपने फर्ज को याद रखता है, और फर्ज को वही याद रखता है जिसे कर्ज याद रहती है। मेरी बात को ध्यान से रखना, मर्ज से वही बच सकता है जिसे फर्ज याद रहता है, फर्ज को वही याद रखता है जो कर्ज याद रखता है, और जो कर्ज याद रखकर फर्ज पूरा करता है मर्ज से बचकर संसार में दुनिया में अपना नाम दर्ज कर पाता। क्या बात है, तालियां कम बज रही आपकी, बजाइए अच्छे से, ताली बजाइए अच्छे से, चलिए अच्छा लग रहा है। श्रीमान एनसीएस साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, उत्तर हो गया। उत्तर हो गया कि नहीं हुआ जी महाराज? हाँ, लग रहा था शायद आप और कुछ बोलेंगे महाराज, इसलिए सब रुके हुए थे। हाँ बोलो। श्रीमान एनसीएस साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, उसके बाद श्रीमती अनीता जी कटारिया अहमदाबाद। मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली का त्रैबार नमोस्तु। मुनि श्री, पहले तो आपके आशीर्वाद से चिद्रूप भैया जी ने बहुत अच्छा अनुष्ठान मॉडल टाउन में कराया, तो उसके लिए पूरे मॉडल टाउन समाज और चिद्रूप भैया की तरफ से त्रैबार नमोस्तु। पूर्णमती माता जी द्वारा रचित वो विधान हुआ, बहुत ही, आज तक इतना बढ़िया विधान नहीं हुआ मॉडल टाउन में, इतना बढ़िया विधान आपके आशीर्वाद से हुआ। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि लोग अपने यश और प्रस्तुति प्रसिद्धि के लिए या धन की कामना के लिए गलत काम करते हैं या दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि कोई वाच कर रहा हमें, ये जानते हुए कि वाच कर रहा कोई, और के परिणाम इसके दुष्परिणाम होंगे भयंकर, और कोई देखने वाला देख भी रहा है, फिर भी वो उसमें आगे बढ़ता रहता है बिना ये चिंता के उसको आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, वो उस आदमी के क्या परिणाम होते हैं कि उसको ये बिना देखे भी आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे क्या परिस्थिति रहती है कि वो आदमी उसी में डूबा चलता रहता है। देखिए, हम लोग बचपन से एक कहावत सुने हैं कि मनुष्य की हवस उसे अंधा बना देती है।
जब हम हवस की बात करते हैं तो प्रायः लोगों का ध्यान केवल भोग विलास तक सीमित रहता है। मेरा मानना है भोग वासना की हवस से भी भयानक यशोलिप्सा की हवस होती है। यशोलिप्सा की प्रबलता मनुष्य को विवेक शून्य बना देती है और ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में प्रगाढ़ यशोलिप्सा होती है वो नाम काम की चाह में स्तरहीन कार्य करने को उतारू हो जाता है। वह अपने मन में पल रही कुंठित महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और फिर अंततः उसका परिणाम बिगड़ता है, क्योंकि यश चाहने से नहीं मिलता, यश स्वतः फैलता है। जो सहज अच्छे कर्म करता है उसकी यशोवृद्धि अपने आप होती है। ऐसा कहा जाता है लोक में कि लक्ष्मी संपदा, एक देवी के रूप में माना गया, उसको संपदा शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, संपत्ति शब्द का प्रयोग कर देता हूँ। संपत्ति को वेश्या और कीर्ति को कुमारी कहा जाता है। संपत्ति को वेश्या और कीर्ति को कुमारी, ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि संपत्ति कभी किसी एक पति के पास नहीं रहती, रोज अपना पति बदलते रहते, आज है कल रहे न रहे, इसलिए उसे वेश्या के समान कहा। और कीर्ति को कुमारी कहा ऐसा इसलिए कि कीर्ति जिन्हें चाहती है वो कीर्ति को पसंद नहीं करते और जिन्हें कीर्ति पसंद करती है वो उनकी तरफ देखते नहीं। बात दोहरा रहा हूँ, जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उन्हें पसंद नहीं करती और जिन्हें कीर्ति पसंद करती है वो उसकी तरफ देखते नहीं। बात समझ गए, इसलिए बेचारी कुमारी रह गई। समझ में आई बात? तो यश स्वाभाविक होगा जब मनुष्य के जीवन में गुण वैभव बढ़ता है तो उसका प्रकाश अपने आप बढ़ता है। पर प्रायः ऐसा होता है जिनकी मनोवृत्ति थोड़ी हल्के स्तर की होती है वो किसी की बढ़ती को देख करके विचलित हो जाते हैं, उसकी बढ़ती वो सह नहीं पाते, इसी को ईर्ष्या का लक्षण कहा गया है। किसी की प्रगति को न सह पाना, वो स्वाभाविक यश उसका फैल रहा, वो करे क्या? अगर गुलाब में खुशबू होगी तो उसको फैलने से कौन रोक सकता, वो फैल रहा है। तो वो तो अपने में मगन है पर दूसरे को तकलीफ है, और वो जब दिखता है तो फिर वो उसका उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, उसके विरुद्ध कई तरह के कुचक रचता है, कई तरह के हथकंडे अपनाता है और अपनी लाइन लंबी करने की जगह सामने वाले की लाइन को काटने में शक्ति लगाता है, अंततः उसकी हालत पस्त हो जाती। ये एक मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। इसलिए मैं उस वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूं, वासना के हवस से भी खतरनाक यशोलिप्सा की हवस है। वासना की हवस एक उम्र में आती है और एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है। यशोलिप्सा दूध पीते बच्चे के अंदर भी होती है, उसको उसका नाम चाहिए, आप देख लीजिए, है ना? कोई बच्चा अचानक गिर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ के दौड़ने लगेगा, और कोई देख ले तो वो उसके अंदर फीलिंग है, वो ईगो है, समझ गए? एक बच्चा अचानक रोने लगा, बोले क्या हो गया? बोले गिर गए थे। कब गिरे थे? बोले 9 बजे। बोले अभी क्यों रो रहे? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। तो ये दूध पीते बच्चे से लेकर उम्र दराज व्यक्ति के भीतर में ये चाह होती है। कदाचित चाह हो तो भी उतना नुकसान नहीं है, बशर्ते उस चाह में व्यक्ति अंधा ना हो। वो अंधापन उसको कहीं का नहीं रोक छोड़ता, उसकी हालत खराब हो जाती है, उससे बचना चाहिए। नमस्ते गुरु। और एक प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती अनिता जी कटारिया अहमदाबाद। अनिता नहीं, अमिता। अमिता जी कटारिया अहमदाबाद।
महाराज जी के चरणों में शशत वंदन। महाराज जी, अभी हमने अहमदाबाद में प्रतिभा स्थली के लिए जगह वगैरह सब लेके सब कुछ हो गया, तो हम अभी 50 लोग आचार्य श्री के यहाँ पे 1 और 2 मार्च को सब दर्शन करने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे। तब वहीं पे डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली है, तो हम सब ने उनकी वहाँ की विजिट की और 2-3 घंटा हम वहाँ पे रहे और सब दीदियों से मिले, सब किस तरह से क्या बड़ा अच्छा लगा प्रतिभा स्थली में, जिस तरह के संस्कार और दीदी लोग और सब पूरा दे रहे हैं, देख के बहुत मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा। इतनी अभी जो वहाँ पे 450 लड़कियाँ थी, जिसमें 70 लड़कियाँ आदिवासी लड़कियाँ थी, वो देख के मतलब कि आदिवासी लड़कियाँ जिनको कुछ मतलब वहाँ पे वो पढ़ रही है, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। लेकिन एक वो हमारे मतलब हम मन में वो आया कि वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, क्योंकि अभी के आने वाला समय और जो जिस तरह से सब चल रहा है, और जो क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कंपलसरी तो नहीं हुआ है कि हिंदी, क्योंकि सारी अदर कॉलेज स्कूल सब इंग्लिश में और इंग्लिश में प्रेशर कर रही है, स्टेट लैंग्वेज में भी कर रही है, लेकिन वो साथ में इंग्लिश को भी कर रही है। तो ये जो जनरेशन आगे आएगी ये सब, तो उन गर्ल्स को कहीं चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े कि इतने अच्छे संस्कारों के साथ तो वो आ रही है, लेकिन संस्कार उनके रहेंगे लेकिन इंग्लिश का देखो बहुत अच्छी बात आपने आज रखी है। अहमदाबाद में यदि प्रतिभा स्थली खुलती है तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ी देन होगी। मैं तो आपके प्रति ये सद्भावना रखता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन आचार्य श्री मान ले और ये पूरा हो जाए, क्योंकि केवल भूमि देने से प्रतिभा स्थली नहीं खुलेगी, जिनकी भूमिका गुरुदेव को पसंद आएगी वो ही ये लाभ ले पाएंगे। मेरे ख्याल से ये तो राजस्थान और जयपुर के लिए भी अशोक जी वगैरह कई बार प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद आगे आकर ये प्रयास किया है, पहल किया है, तो शायद हो जाए, क्योंकि प्रतिभा स्थली बेटियों का ही है, बेटियों के लिए है, तो शायद बेटी का जोर चल जाए तो अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो बात रखी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, आचार्य महाराज ने ये निर्णय बहुत दूरदर्शिता से लिया है। उनका भाषा का विरोध नहीं है, माध्यम का विरोध है, और ये बात सच है कि अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ समझ सकते हैं उतना किसी दूसरी भाषा में नहीं। आचार्य जी ने कई पुस्तकों को भी पढ़ा, अभी मेरे पास एक पुस्तक है विक्रांत सानू की अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल, अभी मैं उसमें पलटाई हूँ, उसको पढ़ नहीं पाया, तो ये सब आचार्य जी ने पढ़ा, उन सबको पढ़ो आप एक बार। मैं तो उसको पलटा, 2-4 टाइटल्स देखे, लेकिन वो बहुत अपने एक लज्जा राम तोवर की भी पुस्तक है, भारतीय संस्कृति के शिक्षा के मूल तत्व, तो ये है। और दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में अंग्रेजी नहीं चलती, उन्होंने देश विश्व के विकास विकसितम देशों और अविकसित देश सब के बारे में ब्यौरा दिया, और ये बताया कि बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ अंग्रेजी में कुछ नहीं है। उसमें इजराइल जैसे छोटे देश की भी बात है जहाँ की पूरी टर्मिनोलॉजी उनने अपनी भाषा में की, हिब्रू में। तो ये चीज़ें विकसित होती है, और भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति दिख रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा कोई परिवर्तन भारत में भी घटित होगा। सरकार की इच्छा शक्ति दिख रही है, और वर्तमान की शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें आचार्य महाराज के निर्देशों से जोड़ी गई है, तो हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतिभा स्थली में अंग्रेजी माध्यम भले नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया जाता है, त्रिभाषाई शिक्षा वहाँ दी जाती है। आप डोंगरगढ़ की बात कर रहे हैं, आज से 8 साल पहले जब मैं कोलकाता में था तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति मेरे पास आए, और वो अपनी बच्ची को वहाँ भर्ती करना चाहते थे, दोनों सीए थे, पर पत्नी का कहना था कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं है तो हम कैसे भेजें। तो पति ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग चल कर के देखते हैं, और वहाँ जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली 5th क्लास की बच्ची है उसकी हिंदी देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, और अपनी बच्ची की इंग्लिश देखते हैं, समझ में आ जाएगा उसकी इंग्लिश कैसी है।
तो जा करके जब वो अपनी बच्ची का एडमिशन करा के लौटे और कहा महाराज जी मेरी बेटी जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी उसकी इंग्लिश से वहाँ की हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बेटी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी थी और हमारी बेटी की तो इंग्लिश से हिंदी तो कुछ नहीं आता, वो हिंदी में भी उतनी निष्णात और अंग्रेजी में भी और महाराज उसको संस्कृत का भी ज्ञान। तो ये त्रिभाषाई शिक्षा है। तो प्रतिभा स्थली में ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चियाँ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानती। आपके बाजू में बैठी बहन प्रतिभा स्थली की प्रोडक्ट है, खड़ी हो जाओ हनी, है ना, और फर्राटेदार इंग्लिश में बोलती है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सुनील अजमेरा की बेटी है, प्रतिभा स्थली की फर्स्ट बैच की है ना। गुरुदेव, हम लोग के टाइम पे फर्स्ट ब्रांच फर्स्ट बैच सब इंग्लिश मीडियम ही था। हाँ, बट अभी जो हिंदी है वो ज्यादा, मैं खुद गई अभी डोंगरगढ़, जैसा भाभी ने बताया, मैं खुद जाके आई एंड वंडरफुल मैजिकल। जो आचार्य महाराज मैजिक क्रिएट करते कोई नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य महाराज के दृष्टि को समझना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी, है ना। हाँ, बहुत सीए हुई है और मेडिकल में नीट क्वालिफाई किए हैं, सब बच्चियाँ वहाँ पढ़ के जज है और भी है। अभी इनकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के निकली है, सुदर्शन जी की, वो भी प्रतिभा स्थली से निकली है। बहुत से अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट। लोगों को ये भ्रम निकाल देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सब भूल जाओ, जिसको गुरु का आशीर्वाद है वो सब कुछ पा सकता है, समझ लो। ओ मेरे पास एक सूचना मिली है, कहाँ प्रेमी, हाँ शुभम मोनी आ जाओ सामने। अभी अभी देखो क्या भाव होते हैं। शुभम मोनी परिवार है, ब्रह्मचारी जी ने इनको अभी बुलाते समय शिरोमणि संरक्षक के रूप में बुला दिया और इनके पिताजी का मैसेज प्रेमी जी के पास आया कि हमको बनना तो था ही, भाव ये था कि वो आए तब डिक्लेयर करे, तो कह रहे मेरा बेटा आया हुआ है, आज घोषित करो मुझे गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक बनना। ये एक बहुत ही उदार और समर्पित परिवार है, कटनी से सुभाष जी सेठ, सेठ सुभाष जी का परिवार, शुभम उनका बेटा है, सुभाष ट्रांसपोर्ट जो मध्य प्रदेश के जैन समाज का एक स्तंभ कहलाता है। ये आज ट्रस्ट से तो बहुत पहले से जुड़े, संघ से भी बहुत जुड़े और हमारे पूरे चातुर्मास की बागडोर इसी परिवार ने संभाली। आज इनका शिरोमणि संरक्षक के रूप में हार्दिक स्वागत होना चाहिए और मैं चाहूँगा ये सुभाष ट्रांसपोर्ट, हाँ इनका, और इनके सम्मान की आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के निर्देशक श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़, वे आएंगे हमारे सम्मानी शिरोमणि संरक्षक सुभाष जी सेठ परिवार के बेटे बहू और श्रीमती सुशीला जी भी आएंगे, श्रीमान सुरेश जी सेठ कटनी उनके पुत्र पुत्र वधु, और मैं इंजीनियर रमेश जी को भी आमंत्रित करूंगा हमारे शुभम जी का सम्मान के लिए, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से करके सम्मान करें श्रीमती सुशीला जी वजह में सम्मान करने के लिए। और आइए चलते हैं, संघ का समाधान का द्वितीय सत्र प्रारंभ होने वाला है और संघ का समाधान के द्वितीय सत्र का विशेष संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली, वे आएंगे संघ का समाधान के द्वितीय सत्र का संचालन करें, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली। बोले परम पूज संश्रोमी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, बहुत बढ़िया सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे भाई लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि एक 20-20 ग्राम यदि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, केवल 20-20 ग्राम बस, जल्दी से, बहुत बढ़िया जल्दी आ गया जी, बहुत बढ़िया, बस शीघ्रता से, चलिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और आज बहुत सुन, और जो लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं, भैया थोड़ा सा और जल्दी आइए, हाँ चलिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर एक कड़ी जोड़ने जा रहे हैं और जिनके आशीर्वाद से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके चरणों में दो पंक्ति निवेदित करते हैं और आप सबका सहयोग चले कि बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता,
बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता। उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता। उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता। तपा तप अग्नि में खुद को ये कुंदन सा दमकते हैं। और अगली पंक्ति, पूरे विश्व में जितने संत हैं, अगर इन संतों की पहचान में उन सबसे ऊपर रख दूं तो सदन के एक एक श्रोता का समर्थन होना चाहिए। तपा तप अग्नि में खुद को ये कुंदन सा दमकते हैं। बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। बोले परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैन संस्कृति के सर्वोच्च तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में स्थित इस गुणायतन परिसर में आज इतिहास साक्षी बन रहा है। और कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे क्षण घटित हुए जिन्हें इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। बंधुओं, आज हमारे गुणायतन परिसर से जो संलग्न परिसर है, श्री दिगंबर जैन संवेदचल विकास कमेटी के अंतर्गत पावन धाम मंदिर में जो हमारे गुणायतन से लगा हुआ है, वहां पर मंदिर वेदी एवं शिखर का शिलान्यास किया गया, जो कि एक इतिहास के रूप में होगा। उसकी कुछ झलकी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि देखें। श्री कमरीलाल जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी परिवार किशनगढ़, आर के मार्बल परिवार, बंडर सीमेंट परिवार किशनगढ़ की ओर से श्री अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी ने यह कार्य संपन्न किया। उसकी कुछ झलकियां हमारे बीच में है। जोरदार करतल ध्वनि से हम इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। और जैसा कि हम सबको विदित है, आदरणीय अशोक जी, सुशीला जी की जो ये संयुक्त यात्रा है, उस संयुक्त यात्रा के 50 बसंत उन्होंने पूरे किए हैं और उस अवसर पर ये सौभाग्य ने प्राप्त किया है। हम उनके सौभाग्य की सराहना करते हैं, पुण्य की अनुमोदना करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया उसके लिए हम उनको साधुवाद, बार बार साधुवाद करते हैं। बंधुओं, हमारे गुणायतन परिवार की एक परंपरा रही है कि हम जब भी पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास के पश्चात पक्षी परिवर्तन का कार्यक्रम होता है, गुणायतन परिवार अपने समाज के, देश के उन ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करता है जो समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको कि समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दीपक, जलता हुआ दीपक, जब तक कि दूसरे दीपक से मिलता नहीं है तब तक दीपक जलता नहीं है। तो उस बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए जलते हुए दीपक को उससे मिलाना जरूरी होता है। तो ऐसे समाज के उन महान व्यक्तित्वों को हम गुणायतन परिवार हर वर्ष सम्मानित करते हैं। इस वर्ष पिच्छी परिवर्तन के समारोह पर वो कार्यक्रम हमारा रह गया था और उस कार्यक्रम की क्षतिपूर्ति हम आज कर रहे हैं और उस कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। बंधुओं, हम आज अपने पूरे देश से उन 5 विशिष्ट महानुभावों को यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और एक दीप प्रज्वलित किया है ताकि दूसरे दीप उससे रोशनी और दूसरे उससे अपनी ज्वलनशीलता ले करके और अपने आप को प्रदीप्त करते हुए समाज सेवा में समर्पित कर सकें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं, मैं जितना परिचय दूंगा मैं समझता हूं कि कम है, इसलिए मैं कोई परिचय नहीं दूंगा, केवल मैं नाम लूंगा और आपकी तालियों का महोत्सव होना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन गौरव, हमारे वर्तमान के भामाशाह श्री अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, जोरदार करतल ध्वनि, सादर आमंत्रित। और गुणायतन परिवार जी, आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब,
महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या, रमचांडी बहन संघ दीदी और चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन की वो आए और इन महान व्यक्तित्व का जो है सम्मान करें, तिलक करण, माल्यार्पण, उत्तरीय प्रवारक और मैंने कहा आपको हिंदी बोल रहा था और थोड़ी सी और हिंदी में बता देता हूं, माला, तिलक, दुपट्टा, शॉल और एक प्रशस्ति पत्र दे करके साफा लाना भैया। हाँ अभी कर देना। अशोक जी, विजय भाई कह रहे हैं कि मैं फोटो नहीं ले पा रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे आइए। हाँ ऐसे एक एक करके। वाचन होगा पहले। एक सेकंड भैया, पहले वाचन जैन साहब, वाचन करना पहले, वाचन करना सर, एक वाचन कर दो, वाचन पहले, वाचन करना पहले, वाचन करना। श्री विद्या सागराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री प्रमाण सागराय नमः। गुण नामैक रूपाय जनसंकापहारिणे विद्या सिंधो प्रसादाय प्रमाण गुरुवे नमः। दुष्ट काम विजेतारम चर्चा चर्या समाकरम गुण धाम प्रणेतारम वंदे प्रमाण सागरम। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव का चित्र है, परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, प्रमाण सागर जी महाराज, श्रीमान अशोक सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़ राजस्थान, उदारता के मूर्तिमान विग्रह एवं परम समाज सेवी के कर कमलों में बहु आयामी व्यक्तित्व एवं समाज सेवा के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने जैन धर्म, समाज एवं साधर्मियों के प्रति अनुपम वात्सल्य रखते हुए जैन धर्म, धर्मायतनों एवं साधर्मियों की बहुविध सेवा की है। संपूर्ण भारत वर्ष में जैन आयतनों के नवनिर्माण, संरक्षण एवं संवर्धन में आपका योगदान श्लाघनीय एवं अनुकरणीय है। मुनि भक्त सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा संपन्न कुशल उद्योगपति का प्रतिबिंब भी आप में सहज ही देखा जा सकता है। आपके इस प्रभावी एवं प्राप्य व्यक्तित्व के आलोक में आपके सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी एवं यशस्वी जीवन की प्रशस्त भावना पूर्वक आपके अभ्युदय एवं निश्रेय सुख की मंगल कामना के साथ यह अभिनंदन पत्र समर्पित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। तिथि वीन निर्माण संवत 2549 फाल्गुनी पूर्णिमा, तदनुसार 7 मार्च 2023, स्थान गुणायतन परिसर मधुबन। आपका शुभाकांक्षी गुणायतन परिवार, विनोद काला अध्यक्ष, एनसी जैन कार्याध्यक्ष, कन्हैया लाल सेठी महामंत्री, अशोक पांड्या महामंत्री। और ये प्रशस्ति पत्र हम, आइए देखिए बंधुओं, शास्त्रों में कहा है कि धर्म कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः। यदि धर्म कर्तव्य कभी आकार ले तो राम के रूप में आएगा, और मैं आज कहता हूं कि उदारता यदि किसी रूप में ले तो अशोक जी के रूप में प्रतिबिंबित होगी। और अब मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द। नमस्ते महाराज श्री, यहाँ महाराज श्री के सम्मुख गुणायतन के परिवार ने सम्मान किया, सम्मान से हमारा पूरा परिवार दूर रहता है, लेकिन अब यहाँ क्या करें, मना नहीं कर सके। और ये सम्मान हमारा नहीं है, हमारे पूरे परिवार का है, और परिवार में हम सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। मैं ज़्यादा जाता आता हूँ इसलिए नाम लोग मेरे को ज़्यादा जानते हैं, बाकी पूरा परिवार सब एक जैसे हैं, मेरे से बढ़कर है। तो मैं तो यही कहूँगा इस मन से
कि मैं जैन समाज का छोटा सा सेवक हूँ और जैन समाज के मैं कभी भी किसी भी तरह में काम आ सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र, महाराज श्री को नमोस्तु। बस यही एक वाक्य है जिसके लिए हमने आपका सम्मान किया है, जो आपने कहा है कि मैं एक छोटा सा सेवक हूं। इतना कार्य करने के बाद भी विनम्रता, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी सराबगी कोलकाता, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे आज के प्रथम अभिनंदनीय व्यक्तित्व और गुणायतन परिवार के निदेशक श्री अशोक जी पाटनी को कि वो रमेश जी का सम्मान करें। रमेश जी बहुत ही कोलकाता के कोलकाता में रहते हैं, शराबगी उद्योग के प्रमुख हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत विशिष्ट कार्य उन्होंने किए हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन हो रहा है, एक बार करतल ध्वनि जरूर कहनी चाहिए और प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि हम निरंतर जो इनसे अशोक जी को नहीं कराया। जी दे दो ले। चलिए थोड़ा सा नीचे कर ले महाराज जी का चिन्ह लगा दीजिए बस। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पी एन जैन मुंबई टाटा में, टाटा हॉस्पिटल मुंबई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर पी एन जैन मुंबई हमारे बीच में है। अशोक जी आपको सबका सम्मान, सबका सम्मान आपको नहीं, आपको ही करना है, राष्ट्रपति एक ही होता है। डॉक्टर पी एन जैन साहब टाटा हॉस्पिटल मुंबई में है और महत्वपूर्ण और सुशीला जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर पी एन जैन श्रीमती श्रीमती शांता जी भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी आए डॉक्टर श्रीमती पी एन जैन जी का सम्मान करें आप। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज पूरे देश में इन्हें जाना जाता है, अपने आप में बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं। और जब भी कभी हमारे समाज के बंधुओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो ये पूरा सहयोग करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे समाज के किसी बंधु को कभी मेरी जरूरत ना पड़े। मैं ऐसे पैसे में हूं कि मेरी जरूरत ना पड़े, फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये पूरा सहयोग करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करके आज हम गौरवान्वित हैं। ये क्षण आज के इस वातावरण में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। डॉक्टर पी एन जैन मुंबई एवं श्रीमती पी एन जैन मुंबई। और इसी क्रम में ये प्रशस्ति पत्र, जो पूरे जो अभी प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं, शांता जी मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रशस्ति पत्र पूर्ण रजत पत्र पर निर्मित किए गए हैं, सिल्वर प्लेट पर पूरे बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर हैं। भैया ये किधर रख देना और एक बार कैमरे में दिखा देना। और अगले क्रम में, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन परिवार के महिला शक्ति मंत्री श्रीमती चंद्रकला पाटनी जी, परम गुरु भक्त। और उन्होंने आइए मैं सुशीला जी और शांता जी से जी आग्रह कि वो सम्मान करें। भैया वृत्ति के लिए, भैया वृत्ति के लिए उन्होंने गुरु सेवा में और जितना समर्पण है और हमेशा पूरा विहार होता है तो ये सारा करके और करती हैं, बहुत ही समर्पित हैं। और हमारे गुणायतन परिवार का जो महिला स्तंभ है उसके मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं,
गुरु भक्त हैं और ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हुए आज हम वास्तव में स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और इस क्रम में और महिला सशक्तिकरण के बाद महिला स्तंभ के बाद मैं चल रहा हूं युवा वर्ग की ओर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन परिवार की युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान हर्ष अजमेरा जी, जोरदार करतल ध्वनि। युवा उद्यमी हैं, गुरु भक्त हैं और आप ये देख लीजिएगा कि इस अल्प उम्र में जो इस अभिनंदन के पात्र बने हैं, निश्चित रूप से उनकी सेवा अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है और श्लाघनीय है। हर्ष जी अजमेरा और ये हमारे सुनील जी गुणायतन के संयुक्त मंत्री श्री सुनील जी अजमेरा के सुपुत्र हैं, यशस्वी सुपुत्र हैं और अभी तक ये सुपुत्र थे, आज इस सम्मान के बाद यशस्वी सुपुत्र हो गए हैं और मैं इनके अभिनंदन की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और इनका अभिनंदन वास्तव में ये केवल हर्ष जी का अभिनंदन नहीं है, ये हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हर युवा का अभिनंदन है, हर गुरु भक्त का अभिनंदन है, हर समर्पण का अभिनंदन है, हर श्रद्धा का अभिनंदन है। ऐसे व्यक्तित्व, इन पांच व्यक्तित्वों का हमने यहाँ पर अभिनंदन किया और इसके पश्चात एक विशिष्ट कार्य माला सॉल अर्पण करके जो माल्यार्पण एवं सॉल के माध्यम से जी और लगाइए भैया। चलिए वाह, देखिए ये पुत्र का सौभाग्य है कि पिता के सम्मुख पगड़ी पहनना है और ये पिता के लिए गौरव के क्षण है कि उनके सामने उनका पुत्र इस प्रकार से अभिनंदन का पात्र बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं साधुवाद और बधाई देता हूं पूरे अजमेरा परिवार को। हाँ सुनील जी को भी, हाँ सुनील जी, अशोक जी, सुनील जी को वो आगे। हाँ हाँ जी, नीरज पाटनी, नीरज पाटनी जी और श्रीमती नीरज पाटनी जी रांची, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी मंच पर आएं। यही है, हाँ चंद्रकला जी के साथ आ जाएं और एक चित्र है वो है। और मैं हर्ष जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वो अपने दो शब्द रखें। हाँ सब बोलेंगे, उससे पूर्व एक और महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रमेश जी सरावगी को कि वो आए और दो शब्द महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, साधारण सामान्य कार्यकर्ता हूं। यह सम्मान जो मुझे आज दिया गया, मन में एक अज्ञात भय है कि इस सम्मान से मेरे मन में कहीं मान और अभिमान नहीं बढ़ जाए। और दूसरा, महाराज जी आपसे आशीर्वाद की कामना है कि जिस अपेक्षा से सम्मान किया गया, मैं उस योग्य तो नहीं हूँ, किंतु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उस योग्य बन सकूँ, बस इतनी कामना। धन्यवाद। डॉक्टर पीएनजन साहब को मैं बुलाऊं, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना। बंधुओं, आज के इस गुणायतन के नैमित्तिक अधिवेशन में जो दोपहर में 1:30 बजे से इसी सभा भवन में आयोजित हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और मुझे परम प्रसन्नता है आप सबको इसको बताते हुए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक जी पाटनी, श्री एनसी जैन साहब और श्री रमेश जी शराब की, तीनों महानुभाव एक बार मंच पर आ जाएं, यहां पर खड़े हो जाएं। बंधुओं, इस त्रिमूर्ति को आप देख रहे हैं और इस आज के अधिवेशन में जो मध्यान्हकालीन था, उसमें इन तीनों महान व्यक्तित्वों की एक तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी बनाई गई है, जो परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर के
गुणायतन के पंच कल्याणक के लिए आशीर्वाद और उसकी तिथि निश्चित करके आएगी। एक बार जोरदार कर दल ध्वनि और हम अपनी अनुमोदना। और अब चूंकि समय नहीं है इसलिए बिना श्रीफल के ही पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी और उनके पुत्र एवं पुत्र वधु एक बार आए। हाँ मोमेंट उन कर लेना जी, समय कम है क्योंकि सबको बोलना है जल्दी से। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पीएन जैन साहब को। हाँ एक मिनट जल्दी कर ले लो। ओम आज का ये प्रसंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आज उनका सम्मान किया गया जिससे सम्मान का सम्मान होता है। अशोक जी पाटनी हमारे समाज की वो हस्ती है जिन्हें देखकर लोग प्रेरणा पाते हैं। और यहाँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का सम्मान होता है। ये इनकी विनम्रता है कि इस बात को वो बिल्कुल नहीं चाहते, टाल देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो दूसरों को मान देता है दुनिया उसका ही बहुमान करती है। अशोक जी बहुत बड़े हैं और मेरी नज़र में वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। और जिसके पास आने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे समझ लेना वो बड़ा है। और उन्होंने जो कार्य किए हैं और पूरे परिवार में जो अलग उनने जगाई है वो बहुत अनुकरणीय है। मैं अशोक जी के माध्यम से उनके लिए सम्मान का कोई अर्थ नहीं लेकिन ये लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। परिवार के सभी सदस्यों से मैं यही कहूँगा कि जो अलग अशोक जी ने जगाई है वो सबके अंदर जनी बनी रहे। दूसरी ओर से रमेश जी सरावगी ये हमसे पिछले 18 सालों से जुड़े हुए हैं निरंतर संपर्क में। एक बार खड़े हो जाओ, आपका चेहरा देख लिए, छिपा हुआ कोई नूर है। ये एकल विद्यालय के पिछले अनेक 15 वर्ष करीब तो मुझे हो गया है, 1989 से एकल विद्यालय के अध्यक्ष है जिसके 100,000 विद्यालय संचालित होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है और अनेक प्रकार की समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। और आज इन्हें मंच पर लाने का अवसर मिला है। ये समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती है, जैन धर्म और जैन संघ की प्रभावना में सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्तियों में से एक। डॉक्टर पी एन जैन इनका नाम इसलिए चुना गया क्योंकि किसी को भी चिकित्सा संबंधित कोई भी कार्य हो, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, पी एन जैन को अगर खबर पहुंच जाए तो उसके परिवार को पूरी तरह से निश्चिंतता इनके माध्यम से हो जाती। वहाँ एक बहुत अच्छा कार्य इनके रहने से होता है और अशोक जी की जितनी सराहना की जाए वहाँ पर जो लोगों को रहने की 6 पेशेंट को रहने की पूरी व्यवस्था अशोक जी ने कर रखी है टाटा मेमोरियल के बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, ये लोगों को बहुत बड़ा आधार बनता है। पी एन जैन की इस उत्कृष्ट सेवा की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। इधर बहन जी का नाम आया, श्रावक धर्म को पालन करते हुए हम त्यागी व्रतियों और अन्य लोगों का आतिथ्य कैसे कर सके ये इनसे सीखना चाहिए। कितना भी हो, खुद के उपवास हो तो भी 2-2, 3-3 बजे तक जब तक आखिरी व्यक्ति को भोजन न करा दे तब तक खुद भोजन न करे वो प्रेरणा। और हमेशा तत्परता के साथ व्रती जीवन जीते हुए आगे आना ये समाज के लिए प्रेरणा है। और हमारे 5वें सदस्य जो हर्ष, खड़े हो जाओ भाई, ये हर्ष अजमेरा, ये कहते हैं बुंदेलखंड में कहावत है, जाके जैसे नदियां नारी ऊँचे ही बाँको भरका और जाके जैसे बाप मताई ऊँचे ही बाँको नरका लड़का। तो ये उस कहावत को चरितकार करता है। सुनील अजमेरा का होनहार सुपुत्र है, छोटी उम्र में इसने बहुत बड़ी पहचान बनाई है। ये व्यापारिक जगत में एक अस्पताल को संचालित करते हैं जो हजारीबाग की मल्टी सुपर स्पेशलिस्टी का हॉस्पिटल है आरोग्यम। और कोरोना काल में इन लोगों ने जो सेवा की वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और जितने भी पेशेंट हुए जैन अजैन कोई, उनको घर से भोजन तक पहुँचाया गया,
और उनको संरक्षण दिया और उसके साथ अपने एक पहचान बनाई। आज पूरे पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स में इनने बहुत अच्छी पहचान बनाई। छोटी उम्र में समाज का उभरता सितारा है। मैं तो कहता हूँ बाप से एक कदम आगे ही है, कहीं पीछे नहीं है, इसलिए आज इनका चुनाव हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि इसी तरह वे अपने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देते रहे। अभी जैसे रमेश जी ने कहा था, मुझे एक बार की आशंका है कि मुझ में मान ना आ जाए, ये आपको मान देने के लिए मान नहीं दिया गया है, ये आपको बांधने के लिए मान दिया गया है। अब आप समझ जाइए कि मेरा दायरा क्या है, मेरी भूमिका क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू कौन है, और मुझे वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी है। यद्यपि आप सब लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और ये जिम्मेदारी आगे भी निभेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मेरा सबको आशीर्वाद है। और रहा सवाल, आज एक बहुत अच्छी कड़ी जुड़ी पावन धाम मंदिर में, आज वेदी का शिलान्यास, शिखर का शिलान्यास अशोक जी के कर कमलों से परिवार के द्वारा हुआ। सुशीला जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा, महाराज आज आपने तो बहुत अच्छा लाभ दे दिया, हमारी 50वीं की शुरुआत हुई और भगवान के मंदिर के शिलान्यास से हुए। अरे भाई, जीवन भर आपने यही किया है और जीवन के आखिरी सांस तक यही करना है। ये मंदिर पहले भी था लेकिन उसका गर्भगृह ठीक नहीं था, भगवान ब्रह्म स्थान में थे, शिखर जीर्ण शीर्ण था, तो विशेषज्ञों की राय लेकर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से वेदी और शिखर को नया बनाया जाएगा। आज उसकी शुरुआत हुई, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और ये अशोक जी के करकमलों से उनके परिवार के द्वारा हुई, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात। और इसके साथ आज जो एक कमेटी बनी है, यहाँ के पंचकलानक को लेकर के सब लोगों में बहुत चर्चा है, आज उस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है, सारी चीज़ों की समीक्षा करके बहुत जल्दी पंचकल्याणक की तिथि सुनिश्चित होगी। लेकिन सबका एक ही अभिमत है, काम पूरा करके ही पंचकल्याणक कराना है, धूल नहीं दिखनी चाहिए, हरियाली दिखनी चाहिए, और मैं भी इसे चाहता हूँ। और उसके लिए आज जो अशोक जी के नेतृत्व में अशोक जी, रमेश जी और एनसी जैन को ये जिम्मा दिया गया है आगे के काम के लिए, मुझे बहुत उम्मीद है। अशोक जी कहते हैं मैं कोई का नेतृत्व नहीं लेता, टीम का सदस्य बनता हूँ। दोपहर में ये कहा गया, आप जहाँ खड़े होते हो टीम वहीं होती है, आप खड़े हो गए, यही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और गुणायतन कमेटी पूरी तत्परता से विनोद जी की अध्यक्षता में अपना काम करती रही है, काम उसी गति और दुगने उत्साह के साथ पूरा करेगी, क्योंकि पंच कल्याणक का एक एडिशनल कार्य है। कमेटी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न करना, तो चूंकि सबकी अपने एक सीमाएं होती है, इसलिए कमेटी ने अपना काम किया, कमेटी ने खुद ने आगे आके बोला कि हमें पंच कल्याणक के लिए एक और सशक्त टीम चाहिए, ताकि एक पर एक 11 होकर इस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक ढंग से संपन्न किया जा सके, तो उसे हमें संपन्न करना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है, यही मेरा सभी को आशीर्वाद है। बोलना है, ये बोलेंगे जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी भावना यहाँ पर रखें। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हमारा हमको सम्मान नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, वही हमारे लिए सम्मान है। मैं 2005 में महाराष्ट्री से जुड़ी थी और मुझे महाराष्ट्री ने अपनी शरण में ले लिया और अपने चरणों में मुझे जगह दी, और आज मेरी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल बदल गई, मानो जैसे मुझे नया जीवन मिला। महाराष्ट्री, आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि मेरे गुरु ने मुझे क्या से क्या बना दिया। महाराष्ट्री, मैं आपका उपकार जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगी। महाराष्ट्री, मैं तो कंकर थी और आज आपके आशीर्वाद से अपने आप को थोड़ा सा पहचान पाई हूँ। महाराष्ट्री, मैं तो अज्ञानी प्राणी हूँ, आपसे मेरी विनती है कि मुझसे भूलवश भी कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा दान दे। महाराष्ट्री, मेरी आपसे विनती है कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। मैं तो यहाँ सभी से बोलूँगी, महाराष्ट्री की पीछे के पीछे मत लगो, महाराष्ट्री के पीछे लग जाओ, क्या मालूम हम में से कोई पीछे धारण कर ले।
मैं मेरे गुरुवर के लिए क्या बोलूं, मैं तो इस लायक भी नहीं कि मेरी छोटी सी जुबा से इनके गुण गा सकूं। महाराज श्री, अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं इस भाव को आपकी शरण में रह करके सफल बनाना चाहती हूं। नमस्ते महाराज श्री। आज के सत्र को यहीं पर विराम।